chiami con dai che se ha sotto il nome che ti conto mi viene a te la ti conto mi viene a te la usi mi viene a te tu che in cerca tu tu vuoi c'è il mio strano per aia in biryani tu che ha sentito te io con biryani ben rei è tu me e mi viene a te mi helper che non che sa te help carva tu giù a mari con te तो मैंने थोड़ा सा चमचा ही लाए रखा था कि ये थोड़ा सा ये बन जाए और बाकी और आप सब देखिए आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं और हाँ कि ऑर्डर किया भी साथ साथ जो हॉस्टलाइज होती हैं आपको तो पता है हॉस्टल में किस तरह का सेटअप होती है चिकन था चिकन और इसके अलावा ये घी हमारा और ये सब मिक्स पड़ी है और इसके अंदर ऐड करना था मसाला ये ऑलमोस्ट बनने वाला है और इसी तरह ही ये बन जाएगा तो फिर हम कंप्लीट कुक खाएंगे आपको चिकन बिरयानी क्योंकि आज संडे हम बहुत खुश थे क्योंकि एक दिन संडे ही होता है इस दिन हमारी अच्छी सी में खाना बनता है और इफ्तारी में तो हाँ इसके अलावा आप लोगों के रोजे रोजे कैसे जा रहे हैं अरे कहना क्या चाहते हो और मैंने कहा आपसे ये शेयर कर दूँ ये बस ऑलमोस्ट ही कम्प्लीट होने वाला है तो इसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मैं फिर सांस हेल्प कर आ रही थी कि मैं थोड़ा सा उनकी हेल्प भी हो जाएगी और मैं बोर हो रही थी तो मैं फिर इनके साथ आके बैठ के तो इनके साथ वैसे हमारी अच्छी खासी बनती है जैसे होती है हमारी और फिर इनके साथ हमें आके रखनी पड़ती है क्योंकि आपको पता है ना फिर खाना खाना टाइम पर देते हैं ये जो फ्राइज है ना ये एक लड़की बना रही थी अपने लिए इफ्तारी के लिए तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ तो बड़े मज़े के फ्राइज लग रहे थे इफ्तारी का टाइम करीब था ऑलमोस्ट तो हम ये किचन में काम वगैरह कर रहे थे जिनकी क्लासेस थी वो तो यूनिवर्सिटी की हुई थी जो फ्री थी तो वो तो ये अपने काम कर रही थी ये पकौड़े बन रहे हैं हमारे हॉस्टल के जो शाम को लड़के को मिले हुए ये चिकन और ये सॉरी सब चिली और ये हमारा घी हॉस्टल का तो बस ये साथ साथ हम काम कर रहे थे बस थोड़ी सी देर में ही है ऑलमोस्ट कम्प्लीट जाएगा फिर मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूँ बड़ा अच्छा मौसम हुआ था तो ये जी हमारे फ्राइज हैं जो हम बनाएंगे और फिर साथ साथ फिर मैं ये भी देख रही थी कि वो हेल्प पर थी वो नमाज़ पढ़ने गई हुई थी फिर मैंने कहा उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ तो मैं इसको साथ साथ देख रही थी कि ताकि ये लग ना जाए नीचे से चूल्हे से और ये एक और लड़की जो है ना हॉस्टल की ये बना रही थी और साथ साथ आलू भी एक लड़की बना रही थी तो मैंने कहा उसे शेयर करते जाऊँ साथ साथ क्योंकि हमारी हॉस्टल की रूटीन तो यही है इससे ज़्यादा हम तो कुछ कर नहीं सकते ये तो घरों में कोई जब जाएंगे तब किया जाएगा और ये साथ साथ हमारे पकौड़े बन रहे हैं तो हमने क्यों मैंने कहा कभी हमारे हॉस्टल में चाट बनता है तो कभी पकौड़े बनते हैं तो मैं इसको भी पकौड़ों के साथ साथ देख रही थी इनकी हेल्प करा रही थी कि छोटी बच्ची थी उनकी जो उनके साथ में बैठी हुई थी ताकि मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करा दूँ क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी से ऑफ था तो मैं यूनिवर्सिटी गई